नमस्कार मैं उमेद दुग्गर जैन वास्तुशास्त्री आज फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड में एक नया विषय लेकर आज फिर आया हूँ उसका हेडिंग है टी पॉइंट पर भवन कर सकता है अनर्थ यानी टी पॉइंट पर भवन कर सकता है अनर्थ कोई भी भवन चाहे फैक्ट्री हो इंडस्ट्री हो या घर हो यदि टी पॉइंट पर है यानी रोड हिट करती है अर्थात गली की हवा या ऊर्जा बहुत वेग के साथ घर में प्रवेश करती है तो यह एक प्रहार के समान होता है यानी कोई अस्त्र से आक्रमण की तरह यदि यह अटैक भवन के मेन गेट पर डायरेक्ट हो तो और भी ख़राब माना जाता है लाल किताब तो आप नाम सुना होगा बहुत पुरानी एक किताब है बहुत महत्वपूर्ण तो किताब मानी जाती है उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा मकान जिसमें हवा बाहर से किसी सीधी रास्ते या आम रास्ते से सीधी होकर दाखिल होती है तो बच्चों के लिए मनहूस होगा हवाए बद यानी बुरी रूह का रूह का दाखिला गिना जाएगा बाल बच्चे स्त्री सब के लिए ये मनहूस माना गया है राहु और केतु के मंदे असर मंदा असर यानी प्रातः और शाम को शुरू हो जाएंगे यानी ऐसा मकान सदा बुरा प्रभाव देगा कोई न कोई अचानक मुसीबत खड़ी खड़ी कर देगा अब प्रश्न पैदा होता है कि किस दिशा में से टी का बुरा प्रभाव पैदा होता है यानी किस डायरेक्शन से टी का आक्रमण होता है यानी टी कई दिशाओं से आ सकता है ना? तो ये एक मुख्य पॉइंट है जिसको जानना ज़रूरी है कि साउथ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और साउथ ईस्ट अग्निकोण इस साइड से अगर टी का अटैक होता है हमारे मकान पे या फैक्ट्री पे जो भी है तो उस भवन में अग्नि से बड़ा नुकसान हो सकता है पुलिस प्रशासन या इस टाइप की कोई सरकारी परेशानियां बहुत आ सकती है मान प्रतिष्ठा पर बट्टा लग सकता है और लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही खराब मामा गया है यानी दुख दारिद्र्य देने वाला फिर एक होता है नॉर्थ वेस्ट का टी नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोणा नॉर्थ और वेस्ट जहाँ जॉइंट होती है नॉर्थ वेस्ट का अगर टी हो तो लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी आदि से आदमी परेशान रहता है सरकारी दिक्कतें भी बहुत आती है और अपने भी निकट के भी प्राय हो जाते हैं लेडीज़ हमेशा बीमार रहेगी बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम समस्याएं आती रहेगी और लड़कियों की शादी में भी अवरोध पैदा होता है एक टी होता है साउथ वेस्ट का टी साउथ वेस्ट यानी नैत्य कोण जिसको बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच की जगह वो साउथ वेस्ट बोलते हैं उस साइड से अगर कोई टी आता हो सबसे खराब माना गया है यानी ये अनर्थकारी होता है दुख कर्जा रोग और हेड ऑफ़ द फैमिली को ज़्यादा नुकसान होता है बार बार एक्सीडेंट की घटनाएँ होना सुसाइड जैसी घटनाएँ होना अचानक अनर्थकारी घटनाएँ घटना ये सब होता है जब कोई भी मकान या बिल्डिंग साउथ वेस्ट के टी पर आती है इसलिए साउथ वेस्ट के टी से तो हमेशा ही बचना चाहिए एक होता है नॉर्थ ईस्ट का टी नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोणा कुछ वास्तुशास्त्री नॉर्थ ईस्ट के टी को ख़राब नहीं मानते ऐसी मान्यता है तो कई बार आपने मकान ले लिया या कोई फैक्ट्री ले ली और टी पर है तो अब क्या करें यानी उसका फिर इलाज या रेमेडी कर लेनी चाहिए अगर किसी भी हालत में आपका संभव नहीं हो गेट को बदलना या ऐसा तो कई चीज़ें जैसे बागवा है वो फेंगशुई का आइटम है बागवा है मिरर है वो मंकी है प्लांट्स हैं स्वस्तिक है या लोड गणेश है भगवान गणेश आदि ये दिशा के अनुसार लगा करके इसके दोष को कम किया जा सकता है